नमस्कार, मैं हूँ अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। भागलपुर में भीषण कटाव, कोसी पुल और संपर्क पथ में पुल बना है 4 साल पहले। भागलपुर के खड़ीक प्रखंड की भवनपुरा और चोरहर पंचायत के बीच कोसी नदी पर बने पक्का पुल और उससे संपर्क पथ में भीषण कटाव शुरू हो गया है। यह पुल भवनपुरा, मैरचा, रतनपुरा सहित कई गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ता है। पुल के अप एवं डाउन स्ट्रीम में 100 मीटर में कटाव हो रहा है। सूचना पर मुखिया विनीत कुमार सिंह समेत हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। फिलहाल मुखिया के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा अपने स्तर से कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया। भागलपुर के दबंगई सत्ता पक्ष के विधायक ने जबरन किया कब्जा जमीन व दुकानों पर। भागलपुर के तिलकामांझी थाना के सामने पेश कीमती जमीन को अपना बता जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपना कब्जा जमा लिया है। जमीन के कुछ हिस्से में बनी 5 दुकानों पर ताला जड़, दुकानदारों को भी भगा दिया है। विधायक की दबंगई बीते 2 दिनों से चल रही थी। मंगलवार को दीवार निर्माण कार्य में लगे मजदूर मिस्त्री को समर्थकों और सुरक्षा गार्डो ने भगा कर कब्जा कर लिया। फैसला कर लिया जीतन राम मांझी ने, हम की एंट्री हो जाएगी एनडीए में कल। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को लेकर यह बड़ी खबर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के एनडीए में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा के साथ अब इसे लेकर कयासों पर विराम लग गया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि उनकी पार्टी 3 सितंबर को एनडीए में शामिल हो जाएगी। एनडीए में अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू व लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम की एंट्री बतौर 4थी पार्टी होगी। लालू के साथ विधायक नीतीश के साथ गए जेडीयू में शामिल एमएलए वीरेंद्र यादव। जनता दल यूनाइटेड से श्याम रजक के बाहर जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी छोड़ने वालों की कतार लग जाएगी। उनमें कुछ मंत्रियों के नाम भी चर्चा होने लगी थी। हालांकि तमाम कयासों के विपरीत जेडीयू ने अपने कुनवे को बचाए रखा है। इतना ही नहीं, उनसे राष्ट्रीय जनता दल में भी सेंधमारी कर दी। अभी तक आरजेडी में 7 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में अंगतुकों की संख्या बढ़ सकती है। कुनवे को सहेज कर रखने के लिए जेडीयू को सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। पुतुल कुमारी और उनकी पुत्री श्रेयसी सिंह के आरजेडी में जाने के कयासों के बाद सक्रिय हुई बीजेपी ने विरोधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मत्स्य पालकों का अरमान बाढ़ में डूबा, पोखरों में पानी भरने से बह गई मछलियां। एक तो कोरोना संकट, ऊपर से बाढ़ ने तो मत्स्य पालकों की कमर ही तोड़ कर रख दी। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरौनी, चौसा एवं उदा किशनगंज प्रखंड में बारिश व बाढ़ के कारण 20,000 से अधिक मत्स्य पालकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आलमनगर प्रखंड के 14 पंचायत, पुरैनी के 9 पंचायत, चौसा के 13 एवं उदा किशनगंज के 9 पंचायत के मत्स्य पालक प्रभावित हुए हैं। जदयू लाइव वेब पोर्टल लॉन्च, 7 को निश्चय संवाद से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत सीएम नीतीश। बिहार की राजधानी पटना स्थित पार्टी ऑफिस में बुधवार के जदयू का लाइव वेब पोर्टल लॉन्च हुआ। जदयू ऑफिस में बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी नेता ललन सिंह, विजेंद्र कुमार और संजय झा संयुक्त रूप से बटन दबाकर जदयू लाइव वेब पोर्टल को लॉन्च किया। रानीगंज विधानसभा सीट चुनाव में कई दिग्गजों की जीत का गवाह रहा है अररिया जिले का यह क्षेत्र। पिछड़े क्षेत्र में सुमार रानीगंज विधानसभा का गठन 1957 में हुआ था। 1962 के बाद यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। यहां दलित वोटरों की भूमिका निर्णायक रही है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में अब तक 15 चुनाव हुए हैं। इसमें कांग्रेस ने 5 बार, बीजेपी नेता ने 3 बार, जनता दल ने 2 बार, जनता पार्टी, आरजेडी व जदयू ने 1-1 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बाजी मारी है। बिहार में 215 करोड़ रुपए से दुरुस्त होंगी राजधानी पटना समेत इन 8 जिलों की 12 सड़कें। भागलपुर सहित राज्य के 8 जिलों की 12 सड़कें दुरुस्त होंगी। इस मद में 215.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने इस पैसे की मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना के तहत लगभग 138 किलोमीटर सड़कों का कार्यकल्प होगा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि विभाग ने जिन जिलों की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है उनमें पटना के अलावा बक्सर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, रोहतास और जहानाबाद भी शामिल है। मुंगेर में नक्सलियों के लिए पुलिस मुखबरी करने वाला और एरिया जोनल कमांडर का रिश्तेदार गिरफ्तार। नक्सली संगठन के जोनल एरिया कमांडर बालेश्वर कोड़ा के रिश्तेदार जटातरी गांव के सुनील कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ संजय पांडे ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। समस्तीपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस घर में घुसी, ट्यूशन पढ़ रहे 8 बच्चे घायल। बिहार के समस्तीपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस घर में घुस गई। हादसे में घर में ट्यूशन पढ़ रहे 8 बच्चे घायल हो गए। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। जानकारी के अनुसार रोजरा से समस्तीपुर होते हुए बस दिल्ली जा रही थी। भागलपुर में कर्मियों की लापरवाही से तारीख पर तारीख। अब प्लांट टू प्लांट सर्वे की नई डेडलाइन 5 सितंबर, तारीख पर तारीख 8 अगस्त, फिर 31 अगस्त और अब 5 सितंबर। राज्य में हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना के लिए किए जा रहे सर्वे को पूरा करने की यह नई डेडलाइन है। सर्वेकर्ता को नक्शा मिल गया है, कर्मियों की ट्रेनिंग हो गई है। बिहार में आखिर कब से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, शिक्षा विभाग ने दी ये जानकारी। बिहार में कोरोना का प्रभाव कम होने पर स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। हालांकि संस्थानों को खोलने के पूर्व इसकी समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को ये बातें कही। सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की सेनावृत्ति के बाद सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए संजय कुमार ने मंगलवार को पूर्वाह्न ही अपना पदभार संभाल लिया। विभाग में पहुंचने पर जिला अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा उनकी आगवानी की गई, बधाई व शुभकामनाएं भी दी गई। कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार के लिए मांगे 40,000 रुपए, पैसे के लिए अक्सर होता है विवाद। भागलपुर के बड़ाड़ी स्थित विद्युत शवदाह केंद्र कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार के लिए सोमवार की देर रात 40,000 रुपए मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर शमशान घाट पर करीब 2:30 बजे रात तक खूब हंगामा होता रहा। मैदान की जगह हो रही वर्चुअल रैली, सभी पार्टियां ऐप को बना रहे हथियार। भागलपुर में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इन्होंने मोबाइल फोन के सारे व्हाट्सएप व अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों को अपना हथियार बनाया है। सभी पार्टियां इस बार मैदान में होने वाली रैली पर कम और वर्चुअल रैली पर ज्यादा जोर लगाए हुए हैं। जीतन राम मांझी का ऐलान, हम बिना शर्त जेडीयू के साथ कर रहे हैं गठबंधन। हाल में ही महागठबंधन से अलग हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि हम बिना शर्त जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बुधवार को पटना में उन्होंने कहा है कि हम जेडीयू के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि नीतीश जी एनडीए के अंग हैं इसलिए हम भी एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार के नजदीक बने रहेंगे। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी गुवाहाटी। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए। बने रहे जीएस न्यूज के साथ।